नमस्कार दोस्तों, हम रायचूर से। दोस्तों तो आज के वीडियो दोस्तों है दोस्तों 11 फीट लंबा बीम दोस्तों गुनिया में और साहुल में दोस्तों और पूरा बॉटम में दोस्तों कैसे बनाइएगा तो कहिएगा। तो दोस्तों 11 फीट बीम अगर बनाने का अगर ये हमारा वीडियो में देखकर अगर आप लोग दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक सीख लेते हैं तो समझिए दोस्तों हमारा कितना भी बड़ा रहेगा। अगर इसमें मैं जैसा तरीका आप लोग के बताता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखकर अगर समझ जाते हैं दिमाग में, तो मैं आप लोग से बोलता हूँ दोस्तों कितनों बड़का रहेगा सीधा दोस्तों, आप लोग दोस्तों बना पाइएगा, बना दीजिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों ज़रूर देखकर सीखिए और समझिए। हमारा आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहता है, हमारा चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आकर अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा लीजिए। कैसे आप लोग के लिए दोस्तों मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ और काम बोल बोल के मैं सिखाता हूँ। अगर आप लोग दोस्तों सीख जाते हैं ना, कैसे दोस्तों हर मिस्त्री दोस्तों अगर 11 फीट हमारा बीम दोस्तों लंबाई और 1 फीट दोस्तों चौड़ाई अगर आधा घंटा में अगर दोस्तों कोई भी अगर मिस्त्री बना देंगे तब मैं वो मिस्त्री के मैं मान जाऊँगा से हाँ वो मिस्त्री है। तब मेरा से आप लोग सीखिए दोस्तों आसान तरीका सीधा, वो भी दोस्तों हर मिस्त्री से सीधा नहीं होता है तो आप लोग सीधा करने का जरूर आप लोग सीखिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो के दोस्तों आप लोग इतना ना लाइक करिए जैसे हर वीडियो के आप लोग प्रत्येक दिन प्यार दुलार दे रहे हैं, वैसे ही ये भी वीडियो के आप लोग देखकर सीखना है समझना है। चलिए शुरू। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हम प्लास्टर रूम के कर रहा हूँ दोस्तों। आज आप लोग के बताने वाला हूँ ये दीवार और ये बीम दोस्तों, ये दोनों दोस्तों पूरा एक बराबर हमारा इंची टेप से कैसे बनेगा और हमारा धार भी पूरा सीधा रहना चाहिए और साहुल में और हमारा दीवार भी साहुल में प्लास्टर होना चाहिए। तो ये चीज दोस्तों आपको सीखने के लिए काफी जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इस वीडियो में मैं समझा कर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए पहले क्या क्या चीज होता है। तो दोस्तों ये हमारा बीम के धार बनाने के लिए दोस्तों हम गाढ़ा गोला बनाते हैं। आप लोग दोस्तों कहीं भी अगर प्लास्टर हमारा वीडियो देखकर अगर करते हैं तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट मांगता हूँ से मैं जैसा बोलता हूँ अगर पूरा वीडियो में मैं जो जो बात अगर बोल रहा हूँ अगर आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा और वैसे करिएगा तो शायद आपका कभी धार गिरने से आप मुक्त हो जाइएगा दोस्तों। कैसे दोस्तों मेरा इतना मैं आपको समझाता हूँ, अगर इतना समझाते हुए भी आप नहीं बना पाइएगा तो बहुत आपका गलती है दोस्तों। कैसे ऐसे YouTube पर मिलेगा नहीं शायद हमारा जैसा आदमी से आप लोग के पूरा दिल से खुलेआम बताता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा गोला कैसे लगाते हैं। पहले दोस्तों ऐसे टगार में धरने के बाद इसमें हम पहले तली में ऐसे मारते हैं। देखिए हम जैसे तरीका करते हैं अगर वैसे करना आप लोग सीख जाइएगा ना तो समझिए बहुत अच्छा होगा। देखिए जब इतना हम तौली में मार दिए अच्छा से मारना गोला और ये हमारा ऊपर भी दोस्तों ऐसे ऐसे हम लगा लेते हैं। देखिए धीरे धीरे सब लोग के पहले सीखता है तो गिरता है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीका से दोस्तों। अगर इसमें गोला अच्छा से नहीं लगाइएगा तो शायद आपका धार कभी गिरेगा, परेशान होइएगा। इसलिए दोस्तों मैं पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर जो जो दिक्कत है कैसे मैं कैसे बनाते हैं तो आदमी परेशान होता है। आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, अगर शायद मैं अच्छा से घोला नहीं लगाता हूँ जब तक मैं करनी से मैं मसाला छापता नहीं हूँ तो देख सकते हैं पूरा अच्छा से घोला लगा लिया हूँ। आप लोग भी कहीं से अगर प्लास्टर कर रहे हैं मेरा वीडियो देख कर, मैं जो भी बात बोलता हूँ आप लोग दिल पे लेकर करिए मेरा जैसा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा दोस्तों मसाला भी ज़्यादा दोस्तों हमारा 5-1 के तो मसाला रहता है दोस्तों, पर मैं ज़्यादा गीला से नहीं कमाता हूँ। कोई भाई अगर कमेंट भी कर रहे हैं से भैया थोड़ा आप बिना घोला मारा हुआ दीवार पर और बिना दोस्तों घोला मारा हुआ और गीला गीला मसाला से हमको प्लास्टर करके दिखाइए। मैंने क्यों दोस्तों प्लास्टर इतना करने का आसान तरीका बताता हूँ, तो ये अच्छा है या गीला मसाला मैं मार के करूँगा वो अच्छा है। एक नॉर्मल तरीका मैं सिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो इसको हम छापेंगे दोस्तों, इस पे दोस्तों कितना मोटा आपको छापना है। एक भाई ने कमेंट ज़्यादा किया है दोस्तों से हमको, भैया सेलिंग में कितना
इंच छापना पड़ेगा दोस्तों, कितना इंच मोटा छापना पड़ेगा, तो हम आपको बोलता हूँ सिर्फ एक इंच। अगर एक इंच छाप लेते हैं ना सेलिंग में, तो समझिए सब सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम छाप रहे हैं दोस्तों पूरा एक इंच, और यहाँ पे छापेंगे दोस्तों यहाँ पे आधा इंच दोस्तों। कैसे हमारा निकला हुआ है आप लोग सामने देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा वाला के मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो दोस्तों मैं इतना कोशिश करता हूँ आप लोग के सब रियल काम मैं दोस्तों आपको सिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरीका से दोस्तों बीम पर ऐसे आप लोग छाप सकते हैं दोस्तों। देखिए हम जैसे मार रहा हूँ तो ऐसे दोस्तों छाप लेते हैं, उसको बाद आप क्या होने वाला है आप देखिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, दोस्तों पूरा हम नीचे और ऊपर सिर्फ छाप के मैं पूरा सीन दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए दोस्तों। अब ऐसे दोस्तों छापते हैं दोस्तों तो कहीं ऊंचा खाला रहता है दोस्तों, आप लोग भी देखिए दोस्तों, तो ऊंचा खाला के दोस्तों हम उसको ऐसे कॉर्नी से दोस्तों छिपियाएंगे। जैसे मैं बराबर करूंगा उसको, हमको वहां पे फंडी इस पे रख कर चलाने में हमको जितना आसान हो सके दोस्तों। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे दोस्तों हम पूरा बीम के दोस्तों पूरा छिपिया लेते हैं दोस्तों, नीचे नहीं छिपियाते हैं पूरा हम ऊपर में छिपिया लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूरा हम चिपिया दिए हैं, सीधा आप लोग आ जाइए दोस्तों जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कटाई है वहाँ पे आ जाइए दोस्तों। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारा फंडी ढका ढीला कर रहा है दोस्तों, इसको कैसे हम बराबर करेंगे और पूरा साहुल में। तो सीधा दोस्तों इसको देखिए, मैं आप लोग के दोस्तों हाथ धोकर तो नहीं सिखा पाऊंगा, पर इतना मैं जितना जो दिक्कत होता है फंडी में वो मैं सब बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों इसको सीधा पहले आने दो, ऐसे हल्का हल्का दोस्तों पहले ऐसे काटिए। देखिए कैसे हम बराबर कर रहा हूँ दोनों साइड से दोस्तों, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे काटिए। देखिए दोस्तों जब इतना ये हम फंडी में ऐसे बना लेते हैं तब इसको क्या करेंगे, साहुल लगाएंगे। से हमारा साहुल में है या फंटी में तो हो गया है, पर साहुल में हमारा ऊपर कटा है कि नीचा कटा है कि काटना पड़ेगा वो देखेंगे हम। ये रहा हमारा दोस्तों साहुल रहा, आप लोग भी दोस्तों कहीं बनाइए साहुल में बनाइए, ऐसे ऐसे बीम साहुल में बनाइएगा वो अच्छा दिखेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा हमारा घंटी में है, तो दोनों साइड हम देख लेते हैं बिल्कुल। देखिए दोस्तों दोनों साइड बिल्कुल है घंटी में। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा उधर कैसे मारेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए। जब ये हमारा पूरा फंडी में इतना दोस्तों और हमारा साहुल में ऐसे आप बना लेते हैं, तब आपको क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे देखिए ये हमारा ऐसे पूरा आप लोग देख सकते हैं, हम चौकस फंडी में करते हैं ऐसे दोस्तों, तब हमारा अच्छा काम दिखता है। अभी इसी के इधर से एक साइड दाब कर दोस्तों, हमको यहाँ से वहाँ तक ले जाना है ऐसे। देखिए ये हमारा दोस्तों ऐसा, जब आप फंडी में यहाँ से वहाँ तक ऐसे बना लीजिएगा, देख सकते हैं जो भी काम हो रहा है दोस्तों आपके सामने हो रहा है और रियल हो रहा है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा कितना फंडी में हो गया बताइए, इतना आपको मैं चपका के बताता हूँ। अब नीचे भी आपको बनाना सीखना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए ये हम दोस्तों आ गए नीचे में, तो इसको अंजाज से ऐसे आप लेवल में रखना है दोस्तों, इसको सीधा ऐसे रख के दोस्तों। हाँ एक हमको याद आ गया दोस्तों, एक भाई ने कमेंट लिखा है कि जब भैया मैं फंडी चलाता हूँ तो हाथ थरथराता है, थरथराने नहीं देना है दोस्तों, इसको साफ ऐसे आराम से हाथ बैठाना पड़ता है। आइए हमारा धार पर सीधा ऐसे हम बना लेंगे, और यहाँ से दोस्तों सीधे दाब पर हम इधर काट देंगे, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों सीधा हम इधर हम काट देंगे, ये हमारा पूरा बटन में हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे आप लोग वो भी देखिए, नीचे पूरा बटन में हो गया, ऊपर पूरा बटन में हो गया। तो इसको दोस्तों हम ये धार वाला जो है ना, इसको ऐसे ऐसे हम मसाला देखिए धार पर थोड़ा कैसे मसाला चिपकाते हैं इस तरीके से दोस्तों, ऐसे पूरा हमारा बीम पर दोस्तों ऐसे ऐसे
चिपिया कर इसको दोस्तों ऐसे आप चिपिया दीजिए, तो पूरा बीम दोस्तों ऐसे आप लोग सीख जाइए, ध्यान से सीखिए। ऐसे आपको मसाला मार के दोस्तों इसको हाथ से ऐसे चिपिया देना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जब ये हमारा पूरा फंडी में रहेगा तो सीधा यहाँ से दोस्तों ऐसे हम सीधा ऐसे एक साइड दाब के दोस्तों यहाँ से वहाँ तक ऐसे हम पूरा इसको काट देंगे। ये हमारा पूरा फंडी में जब रहेगा तो बनाने में थोड़ा सा भी आपको मेहनत नहीं है ना। तो ये काम दोस्तों ऐसा है नया आदमी के लिए दोस्तों जल्दी होता नहीं है। कैसे देख सकते हैं हम कितना फिनिशिंग फंडी में कर लिए। अब सीधा दोस्तों हमको ये वाला तो पूरा फंडी में है, ये नीचे वाला भी पूरा फंडी में है दोस्तों। तब इधर दोस्तों सीधा ऐसे हम फंडी लगा देंगे और जैसे दोस्तों ये नीचे वाला मैं फंडी मारा हूँ उसमें रूसा मिलाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रूसा कैसे मिलाते हैं, पूरा दोस्तों मिलना चाहिए। ये हम नीचे मारे हैं, इसमें हम ऐसे मिला लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, ये हम इधर भी है दोस्तों, इसको ऐसे मिला लेते हैं। यहाँ से दोस्तों वहाँ तक दोस्तों हम इसको बनाने के बाद आगे कैसे भेजना है धार हमारा पूरा सीधा, तो वो भी आप लोग देखिए। फंडी ऐसे पकड़े हैं तो आप लोग के हाथ दुखता होगा, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। कैसे दोस्तों देखिए हाथ दुखेगा ना तो कभी ये हाथ पकड़ लेना, तो ये हाथ के आपका रेस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको दोस्तों इसमें मसाला दोस्तों है ना ये हमारा ऐसे ऐसे मार देंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक दोस्तों देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों मारने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, धार पक्के लखा रूसा आप चलाइएगा, कैसे इसको सीधा ऐसे हम चिपिया देते हैं। वो हमारा दोस्तों ऐसे देखिए इस तरीके से आप चिपिया देना दोस्तों पूरा अच्छा तरीका से यहाँ से वहाँ तक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक हमारा चिपियाया हुआ है दोस्तों। इस पे दोस्तों देखिए नया आदमी दोस्तों नए आदमी को मैं बोलूँगा, पहले दोस्तों ये हमारा फंडी हो गया, इसमें आपको मारना है सिर्फ दोस्तों धारे मारना है पहले आपको। और पुराना आदमी जो देख रहे हैं दोस्तों तो उनको मालूम है दोस्तों सामने यहाँ से दोस्तों ऐसे हम भूसा मिला के हम पूरा मार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा हमारा अच्छा से दोस्तों इसको फिनिशिंग करके दोस्तों इसको हम ऐसे हटा लेते हैं। कहाँ थोड़ा सा धार गिरा दोस्तों, मैं रियल काम आपको करके बता रहा हूँ। अब इसको दोस्तों ये हमारा जो पूरा ये फंडी में है तो इसी के हिसाब से दोस्तों ये हम पूरा ऐसे हम कॉच भी बना देंगे। देखिए ये हमारा कॉच पूरा फंडी में रहेगा ना दोस्तों, फिर काम गजब का लगेगा दोस्तों। जब ये दीवार और ये हमारा कॉच पूरा फंडी में रहेगा और हमारा ये दीवार ऐसे फंडी में पूरा होना चाहिए और एक बराबर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको हम बना दिए, अब आगे कैसे बढ़ना है तो वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे हम नीचे मान लीजिए फंटी आप लोग मारे हैं तो यहाँ से हमारा धार पर दोस्तों ऐसे पकड़ कर या हाथ करके इसको ऐसे दोस्तों इसको हम पूरा ऐसे हमारा फंडी में यहाँ तक ले है दोस्तों। आइए ऊपर से दोस्तों ऐसे हम मार देता हूँ, फिर भी यहाँ पे ऐसे हम मिला लेंगे और यहाँ धार में ऐसे मिला लीजिए आप लोग दोस्तों और वहाँ पे रूसा मिला लीजिए। आप लोग देख सकते हैं पूरा दोस्तों ये हमारा यहाँ पे धार में मिलना चाहिए फंटी और दोस्तों वहाँ पे दोस्तों जैसे हम तली फंटी में किए हैं पूरा रूसा में होना चाहिए। कैसे दोस्तों सीधा करने के बाद दोस्तों कैसे दोस्तों बातें कुछ और ऐसे, अगर हर चीज अगर नहीं बताता हूँ तो कोई लोग गलत भी कमेंट कर देते हैं, इसलिए दोस्तों हर चीज मैं बता रहा हूँ। इसको दोस्तों ऐसे हम मसाला ऐसे छाप देते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक दोस्तों, और इसको ऐसे हम चिपिया देते हैं। आप लोग यहाँ से वहाँ तक आप चिपियाने के बाद दोस्तों ये हमारा रूसा हो गया, ये हमारा फंडी में दोस्तों ऐसे मिला कर हमको यहाँ से वहाँ तक दोस्तों पहले आपको ऐसे फिनिशिंग करना है दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ से वहाँ तक दोस्तों ऐसे हम फिनिशिंग कर देता हूँ। देखिए दोस्तों फिनिशिंग भी हो गया,
अब इसको सीधा ऐसे खींच दीजिए। कहाँ हमारा धार गिरा दोस्तों, आप लोग के धार बराबर गिरता है तो दोस्तों ऐसे बनाइएगा तो धार गिरेगा नहीं। और ये हमारा पूरा दोस्तों ये है ना, ये हमारा पूरा ऐसे हम पाटा में कर लेते हैं, ये हमारा वॉच सीधा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं ऐसा तरीका आप लोग के धार बनाता हूँ से हमारा ज्यादा धार फिनिशिंग हो जाता है, फिनिशिंग पूरा हो जाता है दोस्तों। तब उसको दोस्तों हल्का हल्का मसाला ऊपर में, तो उसको यहाँ पे ऐसे मसाला मार के दोस्तों इसको दोस्तों फिर भी दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे मसाला मार रहा हूँ, तो ये नहीं से दूसरा से मैं फिनिशिंग करूंगा नहीं, इसको फंडी से कैसे करना है से हमारा बिल्कुल साफ सीधा से सीधा बनेगा। अब इसको दोस्तों सीधा आप लोग दोस्तों मैं दोस्तों इतना ना सिखाता हूँ कि थोड़ा हमको हंसी आ जाता है, ऐसे क्यों नहीं मेरा जैसा आप लोग करते हैं यार, इतना अच्छा मैं प्लास्टर के मास्टर हूँ दोस्तों, हमको हमारा नाम से जाना जाता है जो पवन मिस्त्री देख रहे हैं, हमको प्लास्टर के मास्टर जानते हैं, से फिनिशिंग बातें कुछ और है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीका से दोस्तों साफ इसको आप मार देना है। देखिए यार आप लोग के लिए दोस्तों तो मैं इतना ना मेहनत अभी करने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा हर काम दोस्तों मैं आसान तरीके से मैं करके आपको बताऊँ। देखिए ऐसे घींच देना है, हमारा धार कभी गिरता नहीं है, आप लोग के सामने कर देना। अब इधर आइए, अब बच गया ये छोटा मोटा दोस्तों, तो इसको भी यहाँ पे ऐसे हम लगा देंगे। देखिए जब आपका फोंटी में काम करिएगा घंटी में दोस्तों, जैसे आप साहुल कहते हैं, तब ना दोस्तों पूरा हमारा काम चौकस होगा दोस्तों आप लोग के। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों हम दोस्तों पूरा रियल दिखा रहा हूँ आप लोग के, इस तरीके से आप फिनिशिंग कर दीजिएगा, ऐसे हटा दीजिएगा साफ। देखिए तो दोस्तों सूता से लेके पूरा हमारा बटन से लेके गुनिया के साथ में दोस्तों काम हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब ऊपर वाला है दोस्तों, ये तो नॉर्मल आदमी कोई भी फिनिशिंग कर लेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा कितना अच्छा दोस्तों दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा पूरा बराबर भी दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया और बॉटम में दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, हमारा चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पर दबाकर और लाइक वीडियो को जरूर करिए।